बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो! घटिया इंसान, मलून हो तुम, तुम्हें अपनी इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामोश हो जाओ। तुम सिर्फ सोना भी लाते तो कम नहीं था, इल बिलके को साथ लाकर दिल खुश कर दिया। आर्तुक भाई कहाँ है? वो तो नहीं है सरदार, सुबह महसूल हवाले करके कबीले वापस चले गए थे। नकली सोना उरानोस। ये सोना नकली है। मुझे सोना हाथ से जाने का कोई दुख नहीं, वो लोग इल बिलके को ले गए। आर्तुक भाई के साथ जो सिपाही गए थे वो शहीद हो गए। या अल्लाह रहम कर हम पर। शहीद हो गए? वालिदा। और आर्तुक साहब वो कहाँ है? आर्तुक भाई की कोई खबर नहीं। जल्दी काटो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ड्रैगोस तुम्हारे सामने है। मेरी जान चाहिए तुम्हें या फिर इल बिलके की? बेबोलाद सरदार और इनके सिपाहियों को जिंदान में डाल दो। मैं सरदार हूं उमरुल्लार का, आप ऐसा नहीं कर सकते अर्तुरुल सरदार। हम जो सोना ले गए थे वो नकली था। काफी अकलमंद हो, लेकिन अब असली सोना चाहिए मुझे। ड्रैगोस से आपकी क्या बात हुई भाई? वो आदमी ड्रैगोस नहीं है तुर्कों। ये क्या कह रहे हैं भाई, कैसे पहचाना उसे? सऊद में इतनी साजिशों के बाद और इतने कत्ल करने के बाद इतनी आसानी से वो सामने आकर सोना नहीं मांग सकता। तुम मेरी बहन की राजदार हो मेंगू, तुम्हें पता होगा बाजी अमीर बहाउद्दीन से शादी क्यों नहीं करना चाहती, आखिर क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इल बिलके खातून शादी नहीं करना चाहती उनसे। मैं भी यही कह रही हूँ। कभी किसी और का जिक्र किया उन्होंने तुमसे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं किया और ना ही कभी कुछ सुना मैंने। कोई मौजा ही ये शादी करवा सकता है। उनकी शादी अगर अमीर बहाउद्दीन से हो गई तो वो बहुत खुश रहेंगी। क्या अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। क्या हुआ है? खबर अच्छी नहीं सिरमा खातून। क्या खबर है सिपाही? महसूल ले जाने वाले काफले पर हमला हुआ है, इल बिलके खातून अगवा हो गई हैं। ये जुर्रत कौन कर सकता है? ड्रैगोस के आदमी थे। बेबुलाद सरदार कहाँ है? बेबुलाद सरदार अर्तुरुल साहब से मदद लेने के लिए सराय गए हैं, बाद में ड्रैगोस भी आ गया वहाँ, फिर अर्तुरुल साहब ने बेबुलाद सरदार और उनके सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या जुर्म किया है मेरे भाई ने जो उन्हें जिंदान में डाल दिया? जाकर सिपाहियों से कहो कि वो जल्द तैयार हो जाएं। सराय जाएंगे हम।
तो तारा और मेकेस ने एक दूसरे को राजदारी से देखा? हुक्म दीजिए भाई, उन दोनों को यहां लाकर उनकी गर्दन मरोड़कर सब कुछ उगलवा लूंगा उनसे। गहराई जाने बगैर कुएं में रस्सी नहीं फेंकते बमसी। कुआं गहरा है या फिर रस्सी छोटी, ये बात मालूम होनी चाहिए। और ये मालूम करने के लिए पहले पत्थर फेंकते हैं ताकि हकीकत का इल्म हो जाए। भाई, कबीले से एक बुरी खबर आई है। आर्तुक भाई और सिपाहियों पर हमला हुआ है। उनके साथ जाने वाले दोनों सिपाही शहीद हो गए हैं। और आर्तुक भाई? आर्तुक भाई गायब हैं। तो इसी वजह से वो कबीले नहीं पहुंचे। क्या तुम्हें उनका कोई सुराग मिला? कोई सुराग नहीं मिला। गुंदुस और सुलेमान सिपाहियों को अपने साथ लेकर उनकी तलाश में गए हैं। भाई, आखिर किसने अगवा किया होगा उन्हें? आर्तुक भाई हमारे तमाम रातों से बाखबर है बमसी। जो हमारे राज जानना चाहता होगा उसी ने किया है ये। आर्तुक भाई कभी जबान नहीं खोलेंगे चाहे जितना भी तशद्दुद हो जाए, लेकिन हमें उन्हें फौरन तलाश करना होगा। जिसने भी ये काम किया है उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा मैं। तुर्कुत जी भाई, मार्गिन सुलेमान के साथ जाओ, हर जगह तलाश करो उन्हें। अगर वो जमीन की सातवीं तह में भी है तो भी उन्हें लिए बगैर वापस नहीं आना तुर्कुत। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। अब तुम यकीनन अपनी जबान खोलोगे, मैं तुम्हारी आंखों से रोशनी छीन लूंगा, उसके बाद तुम्हारे कानों को काट डालूंगा और आखिर में तुम्हारी ये जबान भी काट दूंगा। हमारे दिल में जो ईमान की रोशनी है उसी की अहमियत है हमारे लिए। हमारा ईमान ही रूह को तस्कीन बख्शता है और हमें मजबूत करता है। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये रूह भी जल्द निकल जाएगी। हमारी ये रूह अजल से अब तक आलम इस्लाम के लिए वक्फ हो चुकी है। मैं रहूं या ना रहूं, क़यामत तक हमारे लोग ज़ालिमों के लिए खौफ की अलामत रहेंगे। देखते हैं कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, बता दो कि संदूक कहाँ है। उन्होंने सिपाही शहीद कर दिए वालिदा, उस सिपाही को भी इस हाल तक पहुंचा दिया। आर्तुक भाई का भी कुछ पता नहीं, ये ड्रैगोस बड़ी मुसीबत बन चुका है। बेटी, आराम से बैठो और सोचो कि क्या करना चाहिए। अर्तुरुल आर्तुक साहब को जरूर तलाश कर लेगा और इंतकाम भी लेगा उन जालिम मलूनों से। हमें थोड़ा सब्र करना होगा। सिर्फ ड्रैगोस ही नहीं वालिदा, मंगोलों का खतरा भी सर पर है हमारे। वो शैतान अलबस्ती, अगर उसने हमला कर दिया तो। बेटी, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी परेशान क्यों हो तुम?
उस जैसा शातिर ज्यादा अरसे खामोश नहीं बैठेगा वालिदा। आज उसने हमारे 3 सिपाहियों पर हमला किया है, कल हम सब पर करेगा। हमें हर तरह के हमले के लिए तैयार रहना होगा। हम बैक वक्त उन सब का मुकाबला कैसे करेंगे वालिदा? सलजान मेरी प्यारी बहू, बेफिक्र हो जाओ तुम, हम हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं बेटी। दुश्मन की हर चाल का जवाब देना जानते हैं। मैं सराय जा रही हूँ वालिदा, यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जानना है कि क्या हो रहा है, कबीले के लिए सामान भी देख लूंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, खैरियत से जाओ। सोना कहाँ है पता चला? मैं किससे बात हुई मेरी, इस बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। अर्तुरुल ने यह काम खुफिया तौर पर किया, मैं किसे इस बारे में जल्द मालूम करके बताएगा हमें। तारा, मैं किसकी जानिब से आज तक कोई काबिले जिक्र मालूमात हासिल नहीं हुई। अगर अर्तुरुल ने उरानूस को सोना नहीं दिया तो हम खुद हासिल करेंगे। वो सोना बहुत आम है, अर्तुरुल को शिकस्त देने और सऊद पे कब्जा करने के लिए बहुत सिपाहियों की जरूरत होगी हमें, और उस सोने से ही ये सब मुमकिन है। जो आप हुक्म करें जनाब, लेकिन हम करेंगे क्या? उरानूस को पैगाम भिजवाओ कि मुझसे आकर मिले, आगे की हिकमत अमली तय करनी होगी। लईस, उसे बहुत से मकासद के लिए तैयार किया था मैंने, लेकिन अर्तुरुल ने उसे जान से मार दिया। उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी। क्या तुम कल कबीले जा रहे हो? हाँ जाना ही होगा, क्योंकि कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। सोना कहाँ है? मिकेस, यहां क्या कर रहे हो मिकेस? कुछ नहीं, बाजार जा रहा हूं मैं। बाजार जा रहे हो? अच्छा, क्या करने जा रहे हो बाजार? कहीं किसी से मिलने या बात करने तो नहीं जा रहे तुम? नहीं, नए कबाइल के लिए कुछ सामान वगैरह लेने जा रहा हूं मैं। उन ताजरों से बात करना आसान नहीं बमसी भाई, लेकिन कोशिश करूंगा मैं। खैरियत, उनसे बात करने में क्या मुश्किल है? महसूल का सोना चोरी हो गया है। दरअसल उन्हें दोबारा अदायगी के मुतालबे का डर है, समझ नहीं आता कैसे बात करूं। अच्छा मेकिस, दरअसल मुझे ये कारोबारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। मुझसे तुम जंग के बारे में बात करो बस, कहीं किसी भी दुश्मन का सर कलम करना हो तो बताओ बस, समझ रहे हो ना? हाँ मेकिस, सच बोल रहा हूं मैं, तिजारत की बातें समझ नहीं आती है। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए भाई, बाजार पहुंचना है मुझे। हाँ, जाओ बाजार जाओ मेकिस, बाजार जाओ मेकिस, बाजार जाओ मेकिस।
गुंदूस, दो घुड़सवार आ रहे हैं। ये तो तुर्गुत भाई हैं, बाबा ने भेजा होगा इन्हें। और ये दूसरा कौन है? अभी पता चल जाएगा। तुर्गुत भाई, क्या कोई सुराग मिला गुंदोस? बाजन टीम की सरहद तक तो हमें निशानात मिले तुर्गुत भाई, लेकिन उसके बाद निशान गायब हो गए। हमने सिपाहियों को वहां भेज दिया है, वो आर्तुक भाई को तलाश कर रहे हैं। अगर दरिया पार करने की जगह मिल जाए तो आर्तुक भाई भी मिल जाएंगे। तुम नहीं ढूंढ सकोगे। कौन है ये आदमी भाई? इन्होंने सिपाहियों को गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो ये गुमान पैदा करना चाहते थे कि सरहद उबूर की है। नामुमकिन है, ये निशानात यहीं आए हैं। तुर्गुत भाई, वक्त नहीं है, हमें मुखालिफ समझ जाना होगा। सिपाही यहां तलाश जारी रखेंगे, तुम दोनों हमारे साथ आओ। ये आदमी है कौन भाई? अर्तुरुल भाई ने आर्तुक साहब की तलाश के लिए खास तौर पर इन्हें भेजा है। निशानात देखना आते हैं तुम्हें? मैं दूध में सफेद बाल भी देख सकता हूं। अब कोई सवाल मत पूछना इससे, खामोशी से पीछे चलो। सिपाहियों, तलाश जारी रखो अपनी। तो क्या बेबुलाद सरदार अब भी जिंदान में है? जी सुलजान खातून। सरदार के हुक्म की पैरवी में कोई गफलत ना हो। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? खबर दे उन्हें जाकर, सिरमा खातून आई है। सिरमा खातून, जरा सब्र से काम लें। मेरी बहन अगवा हो गई, भाई को आपके अर्तुरुल सरदार ने जिंदान में डाल दिया, और आप कह रही हैं कि मैं सब्र से काम लूं। अक्सर चमकती हुई चीज को लोग सोना समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जाहिर हकीकत से मुख्तलिफ होता है। तो मेरे भाई को क्यों जिंदान में डाला गया? उन्होंने कौन सा जुर्म किया है? तुम्हारे बाबा का कातिल ड्रेगोस साजिश कर रहा है। अर्तुरुल भाई उस साजिश के सद्देबाब के लिए कोशा है। ड्रेगोस साजिश कर रहा है? अर्तुरुल सरदार ने अगर मेरे भाई को कैद किया है तो उनका फर्ज है कि वो किले पर हमला करे और मेरी बहन को बचाए। अर्तुरुल सरदार कहीं ड्रैगोस से खौफजदा तो नहीं जो मेरे भाई को कैद कर लिया? अर्तुरुल सरदार और उनके सिपाही उस शाहीन की मानिंदे खातून जो कव्वों के टोले से नहीं डरते। बहुत बड़ा खेल है ये। वो बराह रास्त हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए भाईचारे में दरार डालने की कोशिश में है। बुरे ख्यालात से खुद को महफूज रखें। अपने सिपाहियों को लेकर अब आप अपने कबीले वापस जाइए और कबीले में हिफाजती इंतजाम बढ़ा दीजिए। सरदारी की हिफाजत आप पे है, क्योंकि ये आग हमारे चारों तरफ फैल चुकी है। सिपाही और कबीले वाले खबर के मुंतजर हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? आप एक नामवर सरदार की बेटी हैं सिरमा खातून, ऐसा ही मुश्किल वक्त होता है जब अपनी सलाहियतें साबित की जाती हैं। अल्लाह पे यकीन रखिए, अर्तुरुल भाई कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। तुम्हारी बहन भी किले से बाहिफाजत वापस आ जाएगी और भाई भी सही वक्त आने पर आजाद कर दिए जाएंगे। कोशिश करती हूँ सुलजान खातून, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको।
गौर से सुनिएगा मेरी बात। अर्तुरुल सरदार अगर मेरी बहन को ना बचा पाए तो अमीर बहाउद्दीन के गुस्से की आग उन्हें जला देगी, क्योंकि अमीर बहाउद्दीन अपनी होने वाली सौजा की गुमशुदगी का हिसाब अर्तुरुल सरदार से जरूर लेंगे। बेबुलाद सरदार, पहले मुझे ये बताइए, मेरी बहन को छुड़ाया आपने या उस मलूम का सर लेकर आए हैं? क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं, वो किले वापस चला गया है। उससे बात करने के लिए मुझे जिंदान में डाला आपने। अब ना तो आपने उसका सर कलम किया और ना ही मेरी बहन को वापस ला सके, तो क्या सोचकर आप मेरे सामने आए हैं? हाँ, मैंने पहले ही तुम्हें खबरदार किया था कि हमला होगा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ये मामला मैं खुद निपटाऊंगा। आज के बाद तुम्हें मजीद परेशानियां पैदा करने की इजाजत नहीं दूंगा। जब तक तुम मौजूद हो यह मसला हल नहीं हो सकेगा। इल्पिल के खातून की जिंदगी की खातिर तुम्हें मरना ही होगा। यहां घोड़ा घास चरने आया था और वो भी सवार के बगैर, लेकिन उसे कांटा चुभ गया। ये क्या कह रहे हैं? मतलब निशान से कैसे मालूम हुआ कि कांटा चुभा था? सवार के बगैर घोड़ा अपने सवार के मुतालिक बहुत कुछ बता देता है। घोड़ा यहीं कहीं है। दुर्गत भाई, वो यहां हो ये नामुमकिन है। उस तरफ चलो। आर्तुक भाई का घोड़ा। ये कैसे हुआ?
जिस गार में हमें जाना है वो करीब में ही है। यहां से आगे हम पैदल जाएंगे ताकि निशानात मिट जाए। इसे भी नीचे उतारो। उन्होंने आर्तुक भाई को रास्ते के आखिर में घोड़े से उतार लिया होगा। आर्तुक भाई ने मौका मिलते ही घोड़े को सर्प लगा दी ताकि उनके घोड़े के जरिए निशाना ढूंढ सके हम। दौड़ो और तेज दौड़ो। के उस तरफ कुछ गार भी मौजूद हैं, चारागाह के आखिर में शिकार के दौरान देखे थे मैंने, वो वही हैं। ये निशाना आर्तुक भाई तक ले जाएंगे। उस तरफ चले। चलो मैंने मार दिया बेबुलात को। अपने गुस्से और हिमाकतों की कीमत चुकाई है इसने। सऊद के खुफिया रास्तों से वाकिफ हो तुम और अब्दुलरहमान इसकी लाश सऊद से दूर ले जाओ। बाकी अब्दुलरहमान देख लेगा। जो हुक्म भाई। काम खत्म करके सराय वापस आ जाना। सब समझ गए ना मिकिस? जी बिल्कुल सरदार। ठीक है। उस बागी कुंदोगदो की बीवी सलजान और बेटा सुलेमान अर्तुरुल की पनाह में है। उन्हें पनाह देने वाला अर्तुरुल हलाकू खान से दुश्मनी चाहता है क्या? सदर तिनकु नेवी को हमारे सिपाही सराय में कत्ल करने गए तो उन पर भी किसी ने हमला कर दिया। कहीं इसके पीछे भी अर्तुरुल का हाथ तो नहीं बहाउद्दीन? वो एक अजीब आदमी है, हर उस काम में मुलव्विस होता है जहां नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो अमीर बहाउद्दीन?
संदूक नहीं ढूंढ पाए तुम, एक मामूली सरदार को काबू नहीं कर पाए। काई कबीला मुसीबत बनता जा रहा है, बहुत गलतियां बर्दाश्त कर चुके हैं हम, हमें उनके सर चाहिए, भाव तीन सर। जी बिल्कुल कमांडर, जैसा आप कहें, उनके सर उतारना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लेकिन नहीं सुनना चाहता मैं, उसका सर लाकर दोगे मुझे तुम। सही कहा, लेकिन अगर हमने अर्तुरुल का सर उतार दिया तो वो संदूक के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर संदूक अर्तुरुल के ही पास है तो हमें उसका सर नहीं बल्कि वो जिंदा चाहिए होगा। जबान बंद रखो अपनी और जाकर संदूक तलाश करके लाओ यहां, वरना तुम्हारा सर संदूक में रखकर भेज दूंगा हलाकू खान के पास, समझे? जल्दी मिलेगा, मैंने बेहतरीन सिपाही रवाना कर दिए हैं, वो कभी भी संदूक लेकर आते होंगे। अगर इस बार कोई गलती हुई तो मैं खुद खून के प्यासे सिपाहियों को लेके सऊद जाऊंगा और उनके सर काट के तबाहों पर बात कर दूंगा सब। तुम्हारे पास बस अब एक आंख रह गई, मेरे हाथ में तुम्हारा मुकद्दर अंधेरे और रोशनी के दरमियान है। अगर चाहो तो हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाओ, या चाहो तो तुम्हें रोशनी में रहने दूं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर मुकद्दर में अंधेरा है तो मंजूर है, तुम जानते हो कि संदूक कहां है, बता दो वरना दूसरी आंख भी जला दूंगा। जो कर सकते हो कर लो। होशियार हो जाओ, अर्तुरुल के सिपाही आ रहे हैं, उन्होंने ढूंढ लिया है हमें। कैसे ढूंढ सकते हैं वो, जल्दी करो, सबको मार डालो, जाओ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिपाहियों, फौरन उन लोगों के पीछे जाओ। मार्गिन, फौरन जाकर अर्तुरुल भाई को खबर करो। आर्तुक भाई, उन जालिमों ने आपके साथ क्या किया आर्तुक भाई? मेरे पास आके नहीं तो क्या हुआ तुर्कुत, मेरे पास मेरे राज मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप सहतियाब हो जाएंगे आर्तुक भाई, चलो इन्हें कबीले लेकर चलते हैं, आइए संभल के। अर्तुरुल को झुकने पर मजबूर कर दिया जनाब, हमारी बात मानने की सिवा उसके पास कोई चारा नहीं। अर्तुरुल को कम मत समझना उरानूस, माना उसे मजबूर तो कर दिया है तुमने, लेकिन मोहतात रहना होगा। याद रहे, जीत से पहले जश्न मनाने वाले जंग हार जाते हैं हमेशा।
अब क्या हुक्म है मेरे लिए? अगर अर्तुरुल हमारी शरायत मान ले, इलबिलगे को छोड़ दूं क्या? नहीं, इलबिलगे की जान इतनी सस्ती नहीं। इतनी जल्दी हम इस जाल से नहीं निकलने देंगे अर्तुरुल को। तारा, जनाब, एक खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए। अर्तुरुल ने बेबुलाद को मार दिया। तारा, क्या वाकई? ये खबर किसने दी तुम्हें? मैं किसने दी है? अर्तुरुल ने उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए एक्स और एक सिपाही को जिम्मेदारी दी है। क्या लाश उसने अपनी आंखों से देखी थी? जी बिल्कुल जनाब। बहुत खूब, मैं किसने कोई अच्छी खबर तो दी। अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बेबुलाद कत्ल हुआ है तो उसकी बहनों को भी इल्म होना चाहिए। दोनों कबाइल के दरमियान जंग करवाने का बेहतरीन मौका दिया है हमें उस अर्तुरुल ने। तारा, उमर उलार कबीले को यह गमनाक खबर सुना दो। खुशी से जनाब। अमीर बहाउद्दीन, उनकी इलबिलगे खातून से कोनिया में शादी तय होना थी, इसीलिए वो साथ जा रही थी। सिरमा खातून ने बताया था। सिरमा खातून, बेबुला सरदार कत्ल हो गए। क्या? अर्तुरुल ने तुम्हारे भाई बेबुलाद को कत्ल कर दिया है, अब क्या कहोगी तुम? अगर तुम दो अफराद से खौफजदा हो जो तुम पर भरोसा करके यहां तक आए, तो मतलब गलत शख्स से बात करने आ गया मैं।